यही है सर जी, वो तो अब सही चल ही गए हैं, तो लौट के आने वाले तो है ही नहीं, मर गए हैं तो देश के रक्षे करके गया जी, और थी ना जो था सो कर ही गया, पूरा करके गया। वो हमारे लिए तो मन से ही आरोध है कि कम से कम अरे खुल के दो लड़के नौकरी का वो के कहीं हमको जी। हम लोग पूरी लड़ाई आपके साथ हैं, लड़ेंगे और सब साथ में हैं, और निश्चित तौर पर नौकरी तो मिलनी ही चाहिए उनको, वो वाजिब हक है आपका। और सरकार अगर नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पार्टी हमारी सड़क पर उतरेगी, और हमको पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी को आपके परिवार के जो उनके आश्रित हैं उनको नौकरी मिलेगा, निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। देखिए, दुर्भाग्य बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात भी है कि एक हमारे बीच का एक बेटा, एक नौजवान साथी देश के लिए शहीद हुए हैं, देश का नाम, राज का नाम गौरव किया है, उनके नाम से हम लोग को उनके साथ होना चाहिए, उनके परिवार के साथ होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार एक ऐसी सरकार है जिनके अंदर लगता है संवेदना है ही नहीं, मानवता है ही नहीं। अगर कोई शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है, आपके राज्य के लिए शहीद हुआ है, लोगों की रक्षा के लिए शहीद हुआ है, तो सरकार के कोई भी एक नुमाइंदा उनके साथ आना चाहिए था, उनके जो पार्थिव शरीर है शहीद के साथ आना चाहिए, संवेदना भी व्यक्त करने के लिए आना चाहिए। और जिस हिसाब से हमने देखा है कि उनके घर, उनके पिताजी अत्यंत गरीब हैं, उनको कोई एक आवास भी नहीं है और इस गरीबी में जी रहे हैं, और देश की रक्षा करने का जज्बा उनके अंदर है और रक्षा करते हुए इस देश को शहीदी प्राप्त किया है, तो हम समझते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो हमारी पार्टी उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी और उनको संज्ञान में लाएगी, और जब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये यहाँ आ करके उनके सरकार के नुमाइंदे आ करके जो इनका सही मायने में इनको मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जब तक नहीं मिलती है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम आपके माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कहना चाहते हैं कि आप कब तक सोए रहिएगा, अब तो जाग जाइए। एक वीर सपूत ने अपनी जान गंवाई है, एक बाप ने अपना बेटा खोया है, एक परिवार और एक समाज ने अपना बेटा खोया है, तो कम से कम उनके लिए, समाज के लिए, राज के लिए उनके नाम से कोई ऐसी योजना का शुरुआत कीजिए, उनके सड़क, उनके गांव का सड़क बनवाइए, उनके स्कूल उनके नाम से कीजिए, ताकि वो शहीद हमेशा के लिए अमर रहें और लोगों के दिल में रहें और जन जन उनको याद करता रहे। आपके तरफ से क्या सहयोग मिला सर? देखिए, हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम उनको 50,000 की राशि अपने पार्टी फंड से देंगे, और वो राशि हमारे जिला अध्यक्ष कल या परसों ला करके परिवार के जो सदस्य हैं उनके पिता हैं उनको